हेलो सुनो तो, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। बोलो क्या बात है? आई लव यू यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार किस रिश्ते से? ना आप मेरे भाई हो, ना चाचा हो, ना मामा हो, आखिर आप किस रिश्ते से प्यार करते हो? अपना आशिक ही समझ लो। आशिक? पर हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई के समय पढ़ाई और बाकी के समय प्यार। क्या हमारा समाज इसकी इजाज़त देगा? क्या मेरे माँ बाप को जब इस प्यार का पता चलेगा तो उन्हें दुख नहीं होगा? कहीं हमारा समाज शादी से पहले किया गया प्यार को पाप तो नहीं कहेगा? समाज 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 तुम्हारे घर को खाना देता है क्या? नहीं ना, तो फिर समाज से क्या लेना देना? आपकी कोई बहन है? हाँ है, दोनों कॉलेज में पढ़ती है। कल दोनों को बोलना कि अपना अपना आशिक ढूंढे और खूब प्यार करे। तेरी ये मजाल, तू मेरे बहनों के बारे में? क्यों, फट गया प्यार का नशा? क्या मैं किसी की बहन नहीं हूँ? क्या तेरी बहन आसमान से उतरी है? नहीं, वो भी मेरे जैसे किसी माँ की गर्भ से जन्म ली है। खुद की बहन बहन है और दूसरों की बहन राह चलती लड़की, यही दोगली सोच मनुष्य जैसे ज्ञानी प्राणी को हैवान बना देती है, उसे बलात्कारी और दुष्कर्मी बना देती है। कर्म करो भैया, माँ बाप ने पढ़ने भेजा है, पढ़ो। यही कर्म है, माँ बाप के सपनों को साकार करो। इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं है। म्यूजिक बाय मौर्या डॉल्वी डिजिटल पटना। प्यार में जिया बाप अपने बाल बच्चों के पालन पोषण में ही अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं, तो क्या जवान होकर हम उनको बेइज्जत करें? जिसने अपना खून पिलाकर पाला, क्या उनकी भावनाओं का खून कर दे? जिस भाई ने जिन हाथों से गोद में खिलाया, क्या उन हाथों को काट दे? क्या यही प्यार है? अगर ये प्यार है तो पाप क्या है? क्या माँ बाप का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं? हमरा कुछ तो उनको अधिकार बा, उनको अधिकार बा, कैसे कहीं हम तोहर से प्यार बा, कैसे कहीं हम तोहर से प्यार बा। चरित्र रूपी लहंगा, लहंगा का दाग तो साबुन सर भी धो देगा, पर चरित्र का दाग कौन धोएगा? हर लड़का लड़की पढ़ता है, वेल्थ इज लॉस्ट
nothing is lost. Health is lost, something is lost. If your character is lost, then everything is lost. पति सिर्फ एक सुंदर तन वाली पत्नी की नहीं, एक पवित्र मन वाली पत्नी की भी कामना करता है। जिस मन में पाप है, सच मानिए, वो तन बेकार है। जब मन में था तने बेकार बात, तने बेकार बात, कैसे कहीं हम तो है रिश्तेदार बात, कैसे कहीं शादी से पहले प्यार जिसने भी किया उसे दो रास्ते मिलेंगे। पहला, प्यार और पढ़ाई एक साथ हो नहीं सकता। कॉलेज में आपका कर्म है पढ़ना, प्यार पढ़ने में मन लगने नहीं देगा, यहाँ आप अपने कर्म से भटक जाएंगे। दूसरा, अगर आप प्रेमी से मिलने में घर देर से पहुँची, माँ बाप ने पूछा तो आप झूठ बोलोगी और झूठ बोलना पाप है, तो फिर ये सोचो कि आप प्यार कर रही हो या पाप। तीसरा, अगर माँ बाप को आपका प्रेमी पसंद नहीं है तो प्रेमी को छोड़ोगी नहीं, और माँ बाप को छोड़ना आसान नहीं है। अगर माँ बाप को छोड़ती हो तो पहले सोचो, अगर आपके प्रेमी का साल दो साल का प्यार प्यार है तो आपके माँ बाप ने जो आपके लिए 18-19 साल तक किया, क्या वो पाप था? आपने जिस गर्व से जन्म लिया उस गर्व की अगर आप इज्जत नहीं कर सकती तो उससे बदनाम करने का भी आपको कोई हक नहीं है। चौथा, अगर आपने प्यार में थोड़ी भी नादानी की और गर्व धारण कर लिया तो जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। आप उस बच्चे को जन्म दे नहीं सकती और गर्व को नष्ट करना पाप से भी बढ़कर है। दीदी, हे बहन, इस जिंदगी में कुछ नहीं है, कर्म प्रधान है, कर्म ही पूजा है, बस कर्म कीजिए। ये तन नस्वार है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। दो पल के शारीरिक सुख के लिए अपनों को मत त्यागिए। अगर कन्यादान करने के लिए भगवान ने माँ बाप को बनाया है तो कोर्ट में जाकर जज या वकील से कन्यादान क्यों कराए। मैंने इस गाने में लड़की जाति पर जोर दिया है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और जानती हूँ कि एक लड़की का मन अगर पवित्र है तो कोई माई का लाल उसे छूना तो दूर, नजर उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें जल जाएगी।